कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये नीले का सवार? ऐसी क्या शक्ति है जहां सन 2000 से पहले मात्र हजारों भक्त जाते थे, आज वो गिनती लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। कुछ चंद सालों में ऐसा क्या वरदान हो गया कि भगत का बेड़ा पार हो गया, जिसने कभी खाटू देखा नहीं था आज उसको खाटू जाए बगैर चैन नहीं मिलता। ऐसा क्या वरदान है सनातन धर्म में इतने देवी देवता सबके शरीर स्वरूप है, एकमात्र देव ऐसा जिसके सिर्फ शीश है और फिर भी हजारों हाथ से झोलियां भर रहा है। ऐसा क्या वरदान है जो घर घर में पूजा जा रहा है? ऐसा क्या वरदान है जो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी मंदिर बनते जा रहे हैं? ऐसा क्या वरदान है जिसको पूजने वाला हवाई जहाज उड़ाने वाला भी है तो गली में रिक्शा चलाने वाला भी है? ऐसा क्या वरदान है जो हर किसी की झोली भरती जा रही है? जरा सुनिएगा, मात्र 10 मिनट लूंगा, चाहे ताली मत बजाना चाहे काना मत, लेकिन कानों को खुला रखना, किसी से बात मत करना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश, सुनिएगा प्रेम से। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर मर्दानी? मन खाटू नरेश की जय। हारे खाटू है की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर शेर की तरह थे घुंघराले, नाम बर्बरी का था, माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, ओ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, माता के लिए दोनों हाथ उठे, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है,
इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और निकल पड़े परवरिक बनाने के लिए। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। भोले माँ भवानी की कृपा से तीन बाण से प्राप्त किए। एक बार कह दो जय भवानी। तीन बाण से प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। और जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा था। और दूसरा वचन, किसी को मना नहीं करेगा, इसलिए जयकार लगती है। बोलिए लख दातार की। निकल पड़े परवरी, और जैसे मेरी माँ शेर की सवार करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसके सवारी है, दोनों हाथ उठा के बताना। नीले घोड़े का सवार, खंडू बालो सामरी को, नीले घोड़े का सवार, खंडू बालो सामरी को। निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। दुर्योधन, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीम, युधिष्ठिर, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा प्रभु, अपने सारथी से कहा, सारथी कौन है, भगवान कृष्ण, कि कन्हैया जाओ देखो ये कौन आया है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बर्बरीक कहां जाते हो। बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखते निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े महायुद्ध में तू छोटा सा बालक, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ेगा, इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं वहां। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में तीन बाण है ना, एक ही चलाऊंगा और तख्ता पलट कर दूंगा, आदेश करता एक बार। कन्हैया बोले जो ब्राह्मण के रूप में है, बोला बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ करोगे क्या। पीपल का पेड़ था सामने जिसमें लाखों पत्ते थे, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा में बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक बाण ब्राह्मण, एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं क्या मैं किसी की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले प्रभु हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको अब ब्राह्मण के रूप में कौन है, भगवान कृष्ण। देवता बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया हारे का सार, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा, अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया,
यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये कृष्ण किसी का नहीं। बोले हारे का सारा, ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी खराब हो जाएगी। तब बरबरीक ने हाथ जोड़े, ध्यान से सुनना प्रेमियों, आज यहाँ कीर्तन में आना आपका सफल हो जाएगा। बरबरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, इस कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। यह शीश का दान किन्हीं तीन लोगों में से हो सकता है, या तो भगवान कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो, द्वापर में धर्म की स्थापना होने दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो, तुम्हारे शीश का दान दो। बरबरीक ने अपनी माता को दो वचन दिए थे, पहला वचन हारे का और दूसरा वचन लखदातारी। कोई भी कुछ भी मांगेगा, मना नहीं करेगा। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निकाली तलवार और भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़े हो गए। कृष्णा शीश प्रदान मुरली वाले ने, माता शीश प्रदान मुरली वाले और बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खांडू वाले ने, दे दिया शीश उतार खांडू वाले बाबा, दे दिया शीश उतार खांडू वाले। लेकिन यहां तक समझ आई कथा, ताली बजाना जिसको समझ आई। जय हो। अब सुनना, अभी तक बाबा श्याम नहीं बने, अभी तक बरबरीक है। कन्हैया ने पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बरबरीक ने कहा, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने उस शीश को हिमाचल की ऊंची चोटी पर रखा, उस चोटी का नाम है चूड़धार पर्वत, गूगल कर लेना, और हिमाचल का सिरमौर जिला गूगल कर लेना, चले जाना जब भी जाने का नौजवानों को मौका मिले। वहां वो शीश रखा गया, अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम किसने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, और गलत हुआ वो बॉर्डर के उस पार से हुआ था जी, यहां से नहीं हुआ। वही चीज, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। कन्हैया बैठे, हाँ सुनिए, चलो चलो। पांडव, माधव, बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता था, रथ कैसे चला था। पांडव बोले, प्रभु बता दो, नहीं तो जीत के भी हार जाएंगे। कन्हैया बोले, देखा प्रेमियों, अब बरबरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, आप भी दोनों हाथ उठा लेना और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, उस शीश के पास। प्रेमियों, भैया बैठ जाओ,
आखिर में पांडव बर्बरीक के पास गए भगवान कृष्ण के साथ। कन्हैया ने पूछा, पांडवों ने पूछा, हे लीले के अश्वार, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, हे घूंगर बाल वाले, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरी के शीश से आवाज आई, मेरी आवाज और बढ़ा देना भाई, हार तक चली जाए। आहा, शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे ना तो युद्ध में अर्जुन के बाण नजर आए, ना भीम की गदा नजर आई, युद्ध में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों, ये बात भगवान कृष्ण को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, तुम्हारे इस शीश को मैंने जो अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमर होने का वरदान देता हूं। अब वरदान गिनते रहना क्या है इनके पास, मैं गिनाता हूं। लोग उल्टी सीधी चीजें बहुत गिनाते हैं, बाबा के बारे में कुछ नहीं गिनाते साहब, और नीचे श्याम प्रेमी भी लिखते हैं। समा चाहूंगा लेकिन किसी बंदे को बताने की जगह बाबा का बताओगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा साहब, बेड़ा पार हो जाएगा। पहला वरदान कि तू मेरे वरदान से अमर हो जाएगा। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, खाटू का शीश जीता जागता बाबा का मुख है। अगर पत्थर होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता साहब, ना रोता, वो पत्थर का नहीं है, अमरता का वरदान दिया। दूसरा वरदान कि तुमने जो वचन दिया हारे का सहारा, इस वचन को वरदान बनाता हूं, तेरे दरबार में जो भी दोनों हाथ उठाकर हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के। तीसरा वरदान, तुमने कहा जो भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करेगा, जा तेरे दरबार में कोई मांगने आएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। चौथा वरदान कि कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, जा तुझे शाम नाम दिया और तू कलयुग में खाटू वाले शाम के नाम से पूजा जाएगा। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ेगी। और प्रेमियों, इस पंडाल में सबूत है, सन 2000 से पहले खाटू कौन गया था आप में से और आज खाटू कौन गया है, ये सबूत है आपके सामने कि आने दो, थोड़े साल और बढ़ने दो। आपका पड़ोसी जो कहता है ना कि मैं चूरमा नहीं लूंगा, एक दिन आएगा अपने बच्चों को कह के रखना कि बेटा ये पड़ोसी भी एक दिन चूरमे की थैली लेकर आएगा कि मेरा भी काम खाटू वाले ने बनाया। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपने कृष्ण, खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान। समझ आई? आप मेरा एक काम करोगी, करोगी
करो, घर में कोई भी आए उसको चाय पिलाते पिलाते बाबा की कथा सुना देना।